मौजूदा इंडियन क्रिकेट टीम के ऐसे खिलाड़ी जिसने कभी गरीबी को इतनी पास से देखा है कि उन्हें अपनी लाइफ में ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जो किसी भी क्रिकेटर के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन गरीबी के कारण ऐसा करने के लिए वह मजबूर थे। लेकिन जब वापसी करी क्रिकेट के मैदान में तो ऐसी वापसी करी कि पीछे मुड़कर फिर कभी भी नहीं देखा। वह खिलाड़ी है शिवम दुबे। यूपी के भदोही से ताल्लुकात रखने वाले शिवम दुबे का जन्म 26 जून 1993 को हुआ था। शिवम जब मात्र 7 साल के थे तब उनका पूरा परिवार भदोही से मुंबई शिफ्ट हो गया था बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में। शिवम ने क्रिकेट खेलना काफी यंग एज से शुरू कर दिया था। वह प्रोफेशनली क्रिकेट खेले ये सपना उनके फादर साहब का था, राजेश दुबे, जिन्होंने अपनी लाइफ में कई सेक्रीफाइस करे ताकि शिवम प्रोफेशनली क्रिकेट खेल सके और अपना करियर बना सके। शिवम की लाइफ के पहले कोच उनके फादर ही थे, जिन्होंने मुंबई के अंधेरी में मौजूद एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पिच तैयार करी और वहीं पर शिवम को क्रिकेट की शुरुआती ट्रेनिंग भी दी। वह रोजाना शिवम को 500 बॉले डाला करते थे और काफी लंबे अरसे तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, जिसके बाद शिवम के फादर ने उनका दाखिला मुंबई में मौजूद चंद्रकांत पंडित क्रिकेट अकेडमी में करवा दिया। शिवम प्रोफेशनली क्रिकेट में अपना करियर बनाए ये सपना शुरू से उनके फादर ने ही देखा था, जिनका पहले डेयरी फार्म का बिजनेस था और बाद में जाकर उन्होंने जीन्स को धोने का बिजनेस शुरू करा भिवंडी मुंबई में। शिवम के टैलेंट को निखारने के लिए ताकि वह शिवम को ज्यादा से ज्यादा समय दे सके, इसलिए शुरुआत में ही शिवम के फादर ने अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए अपना बिजनेस अपने सबसे करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को दे दिया, जिन्होंने उनके बिजनेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज आने लग गए थे। बात तो यहाँ तक आ गई थी कि दो वक्त का खाना जुटाने में भी उन्हें समस्या हो रही थी। राजेश दुबे धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, जिसके कारण शिवम का क्रिकेटर बनने का सपना धीरे धीरे छूटता चला गया। करीब 5 सालों तक क्रिकेट से दूर रहने के कारण शिवम की फिटनेस पूरी तरह से खत्म हो गई थी, वह ओवरवेट हो गए थे। इवन जब 5 सालों बाद शिवम ने मैदान में वापसी करी तब उनके लिए भाग पाना भी मुश्किल साबित हो रहा था, लेकिन तब शिवम ने मजबूत इरादों के साथ ये फैसला कर लिया था मैदान में वापसी करने का, जिसके बाद शिवम ने अपनी फिटनेस पर ध्यान ही नहीं दिया बल्कि 10 kg वेट भी लॉस करा। शिवम ने जिम ज्वाइन करा और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करी। धीरे धीरे अपनी फिटनेस को वापस से हासिल करने के बाद और अपनी गेम को इम्प्रोवाइज करने के बाद वह मुंबई अंडर 23 में खेलने लग गए थे, जिसके कुछ समय बाद ही शिवम ने अपना पहला डोमेस्टिक T20 डेब्यू करा 2015-16 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 18 जनवरी 2018 को, जिसमें अपने डेब्यू मैच में शिवम ने बड़ौदा के खिलाफ खेलते हुए 17 बॉलों पर 21 रनों की पारी खेली 123.52 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसके बाद एक साल के अंतराल के बाद शिवम ने अपना लिस्ट ए डेब्यू करा 25 फरवरी 2017 को विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की तरफ से खेलते हुए, जिसके बाद शिवम हिस्सा बने रणजी टूर्नामेंट का 2017 में 7 दिसंबर को और अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया मुंबई के लिए, जिसमें डेब्यू मैच में ही शिवम ने अपने नाम 5 विकेट चटकाई थी एक ही ओवर में। शिवम को क्रिकेट लेजेंड युवराज सिंह के साथ भी कंपेयर करा जाता है उनकी शानदार बल्लेबाजी के कारण, क्योंकि शिवम ने एक ही ओवर में 5 लगातार छक्के मारने का मुकाम अपने नाम करा है एक ही साल में 2 बार। पहली बार मार्च 2018 में मुंबई T20 लीग में नमो बांद्रा ब्लास्टर के गेंदबाज प्रवीण तांबे के विरुद्ध, जिसमें एक ही ओवर में 32 रनों की शानदार बल्लेबाजी के बाद पूरा का पूरा मैच अपनी टीम के नाम करने में एक अहम भूमिका निभाई थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से भी नवाजे गए थे। और दूसरी बार भी 2018 में ही रणजी सीजन में जब बड़ौदा के खिलाफ खेलते हुए शिवम ने लगातार 5 छक्कों की झड़ी लगा दी, साथ ही शिवम मुंबई के हाईएस्ट विकेट टेकर साबित हुए। सिर्फ 8 मैचों में खेलते हुए शिवम ने टोटल 23 विकेटें अपने नाम करी थी। 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाली T20 सीरीज में उन्हें स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, जिसके बाद शिवम को मौका मिला अपना T20 डेब्यू करने का 3 नवंबर 2019 को, और कुछ दिनों बाद ही
शिवम को वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंडिया सीरीज के लिए भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया और शिवम ने अपना ओडीआई डेब्यू करा वेस्ट इंडीज के खिलाफ 15 दिसंबर 2019 को। शिवम को इस साल मौका मिला है T20 वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 में जगह बनाने का। शिवम के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। शिवम को अभी और भी ऐसे मौके मिलेंगे ये साबित करने के कि वह किस मिट्टी के बने हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा।